इसे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। और ये पहले दिन कल जब रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी तभी से हमने ये प्रयास चालू कर दिया था, और प्रथम श्रेणी में हमने उनके घर वालों का परीक्षण चालू किया था। तो चारों जो रोगी थे उनके करीब 29 लोगों का हमने परीक्षण किया था। किसी में भी अभी ये मतलब लक्षण नहीं पाए गए हैं, इसलिए उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है 14 दिनों के लिए, और 5 से 14 दिन के भीतर इनका एक परीक्षण किया जाएगा, और यदि उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इनका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। पॉजिटिव ना पाने पर इनको आइसोलेट रखा जाएगा और 14वें दिन पुनः इनका टेस्ट किया जाएगा। सर, अभी ओवरऑल कितनी पॉजिटिव मिले हैं और जो डेथ का आंकड़ा है वो कितना है? अभी मैंने जैसा अभी बताया था कि कुल 10 हमें पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक उज्जैन शहर का था, और अभी मृत्यु भी उसी उज्जैन निवासी की ही हुई है। इंदौर जिले के भी कोई भी मृत्यु नहीं हुई। सर, ये उम्र का कितनी है, उनकी एज अप्रोक्साइज कितनी है? सर, जो सामान्यतः जो है मरीज मिले हैं ये 45 वर्ष से ऊपर के ही मिले हैं, और उसमें 2 लोग जो है वो 3 लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के। सर, क्या माना जाए कि थर्ड स्टेज की तरफ इंदौर में बढ़ चुका है कोरोना वायरस? अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि थर्ड स्टेज की तरफ है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज में हम अपर सेकंड या लेट सेकंड स्टेज में जा रहे हैं। पूरे एमपी में हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा कोरोना, देखिए इंदौर शहर सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा ज़िला है, और यहाँ पर आवागमन के साधन और रोजगार के साधन अधिक हैं। लोगों का आवागमन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। निश्चित तौर पर विभिन्न देश से और विभिन्न शहरों से लोग बाग यहाँ आते हैं, अतः ये संभावना बांध के पहले ही चल रहे थे कि यहाँ पे लोगों को संक्रमण होने की संभावना है। इसलिए प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी करके रखा हुआ था। हमने आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन हाउस कई तरह के बना के रखे हुए हैं, और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है, और अब हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा 2 तरह की अपील है। पहली चीज़ तो ये कि यदि आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे लोग हैं जो विदेश यात्रा से या कई ऐसे राज्यों से होकर आए हैं जहाँ पर इस विषाणु का संक्रमण है, तो वो कृपया अपने तथ्य को छुपाए नहीं, यानी कि सत्य बोलना इस समय बहुत सही होगा। और वो ऐसा करके न सिर्फ अपनी जान बचाएंगे, अपने परिवार की, समाज की और देश की भी मदद करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो सभी आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से, श्रोताओं से ये जानकारी वो चाहूँगा कि कृपया भ्रामक जानकारियाँ ना दें। पिछले 2-3 दिनों से कई ऐसी झूठी खबरें आती हैं जहाँ पे हमें टीम को भेजना पड़ता है, और जब टीम वहाँ जाती है तो बात गलत निकलती है। हमारे पास वैसे भी संसाधनों की बहुत कमी है, ऐसे में हम सही काम करने के बजाय अगर झूठी खबरों पे भागते दौड़ते रहें तो निश्चित तौर पे काम में बहुत फर्क पड़ेगा। अंतिम बात जो है वो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को घर पे रखें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लक्ष्मण रेखा वाली बात, 21 दिन तक अगर हमने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पे जब हम जिस तरह से हमने सफाई में 3 बार देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, स्वास्थ्य में भी हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे। सर, मीडिया को लेकर क्या अपील है? क्या जो कोरोना इन्फेक्टेड मरीज हैं उनके नामों को प्रकाशित किया जाए या इस तरह की काफ़ी इससे? और मैं मीडिया को पहले तो साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से सजग और मुस्तैदीपूर्वक वो अपना धर्म निभा रहे हैं वो बहुत ही अनुकरणीय है। एक निवेदन है कि ये जो जानकारी रहती है ये गोपनीय रहती है, तो कृपया मरीजों का नाम प्रकाशित ना करें। कोई भी ऐसी जानकारी प्रकाशित ना करें जो इंगित करती हो या इशारा करती हो कि वो मरीज कौन हो सकते हैं, क्योंकि इससे मरीज की व्यक्तिगत जानकारी अगर प्राप्त होती तो समाज उनको किसी दूसरे एंगल से देख सकता है, तो जो कि एक घातक होता है। दूसरा ये है कि जाति समुदाय किसी भी तरह की जानकारी ऐसी ना दी जाए जिससे उन्हें समाज अलग थलग कर सकता हो या उनके साथ भेदभाव कर सकता हो। आप लोगों के जो प्रयास चल रहे हैं, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक बार पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।